नमस्कार। तो असली कथा शुरू होती है तब जब अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के सुपुत्र मुन्ना एक दुल्हे को उसी की शादी में निपटा देते हैं। फिर दुल्हे के परिजन पहुंचते हैं एक पंडित वकील के पास और उस ईमानदार वकील को शांत करने मुन्ना भी निकल पड़ते हैं। अरे नमस्ते आंटी। और उस वकील के पुत्रों द्वारा पीट के वापस घर आ जाते हैं। अब पंडित के दो सुपुत्र बबलू और गुड्डू गलती किए पर उनमें हुनर दिखा तो उनको काम पे रख लिया। पता था कि थोड़ा रिस्क है। हमारे लिए काम करोगे? लड़कों ने कारोबार अच्छा संभाल लिया था। जेपी यादव के इलेक्शन के लिए पैसे भी इकट्ठे हो रहे थे। फिर एक दिन जेपी ने मुन्ना पे हाथ उठा दिया। ए मुन्ना, तुम्हारा लड़का। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। हालात बिगड़ने लगे थे। लोगों में डर धीरे धीरे कम हो रहा था। वैसे रतिशंकर से तो कोई उम्मीद नहीं थी। ये तुमको याद दिलाएगा कि तुम मिर्जापुर से कुत्ता की तरह बाहर निकाले गए थे। कुत्ता जो वफादार नहीं था। और ये भी नहीं सोचा था कि गुड्डू और बबलू बिना आदेश के कट्टा चलाएंगे। ये हमारा एरिया है, तुम्हारी माँ को। और इतना ही नहीं, घर में हमला भी करवाएंगे, ये भी नहीं सोचा था। हमें नहीं लगता कंपाउंडर अकेला पापा पे अटैक किया होगा। ये प्लान में जरूर उसके साथ कोई ना कोई तो शामिल रहा ही होगा। मुन्ना को भेजे थे इनका हिसाब चुकता करने। हम बोले थे राइट टाइम आएगा तो कंट्रोल देंगे तुम्हारे हाथ में। अब राइट टाइम आ गया है, कर पाओगे? अब देखते हैं श्रीमान क्या गुल खिलाते हैं। वैसे त्रिपाठियों से डरना जानती है मिर्जापुर की जनता। उन्हें पता है कि उनका मालिक कौन है।